हेलो बच्चों बच्चों, आज मैं आपके साथ चाइना रोज का डाइसेक्शन शेयर करने जा रहा हूं। चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। चाइना रोज में रेड कलर सबसे ज्यादा कॉमन है। आपने चाइना रोज कुछ डबल फ्लावर वाले भी देखे होंगे, जिनमें जो ये पेटल्स हैं वो ज्यादा घने घने दिखाई देते हैं। रेस्ट इसमें बहुत सारी वेराइटीज हैं जिनको हम कल्टीवर्स कहते हैं, जिनको आर्टिफिशियली प्रोपागेट किया गया है ग्राफ्टिंग वगैरह करके। सो हैव अ लुक। मेरे पास आज दो सैंपल हैं, दो स्पेसिमेन हैं, एक ये रेड वाला और एक ये पिंक वाला। सो दिस इज द पिंक वन, ठीक है। इनके पेटल्स को देख लीजिए, इसको चाइना रोज भी कहते हैं, शू फ्लावर भी कहते हैं, एंड द पेटल्स आर फाइन। बच्चों इसमें जो एस्टिवेशन दिखाई देता है वो ट्विस्टेड है। आप देखें पेटल्स में जो एस्टिवेशन है ट्विस्टेड है, वन ओवरलैपिंग द अदर, एक दूसरे के नीचे नीचे है। मतलब कोई भी पेटल आप देख लें जो कि एक तरफ ऊपर है और एक तरफ अंदर है ना, ऑल्टरनेट फैशन में। जबकि अगर सेपल्स को हम देखें तो सेपल्स आर गेमोसिपेलस और एस्टिवेशन वेलवेट दिखाई देता है आपको। यहां पर सेपल्स का एस्टिवेशन वेलवेट यानी कि ओवरलैपिंग नहीं है, एक के साथ एक है। और साथ ही साथ आप यहां नीचे देखें एपिकैलिक्स भी दिखाई दे रहा है। दिस वन इज एपिकैलिक्स, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूं इस स्काल्पेल की सहायता से। ये वाले हैं एपिकैलिक्स, दीज वंस है ना, दीज आर एपिकैलिक्स, राइट। तो आप देख लीजिए इसका कंडीशन। तो ये हो गई इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। चलिए अब इसको डाइसेक्ट करके देखते हैं इसके इंटरनल पार्ट्स को। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो आप देखिए यहां पर फाइव स्टिग्मेटिक सर्फेसेस दिखाई दे रहे हैं, पांच स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं ये ब्लैक वाले, ठीक है। आई एम गोइंग टू शो यू दिस, हैव अ लुक हियर। ये देखिए ये जो स्टिग्मेटिक सर्फेसेस हैं ये ब्लैक वाले, दीज आर स्टिग्मेटिक सर्फेसेस, और इनके नीचे है स्टाइल, और स्टाइल जाते 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 अंदर जाकर के ओवरी। अब मैं आपको ओवरी भी दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज यहां समझने वाली है बच्चे, स्टाइल तो जा रही है लेकिन साथ ही साथ आप देखें यहां पर यानी कि स्टैमेन भी लगे हुए हैं, एंथर और फिलामेंट। तो ये कैसा इंतजाम है? इनफैक्ट बच्चों चाइना रोज में ये एक अनोखा सा इंतजाम है। यहां नीचे बेस ऑफ द पेटल से एक ट्यूब निकलती है, जिस ट्यूब को कहते हैं स्टैमिनल ट्यूब। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है दिस इज एक्चुअली द ट्यूब एंड द स्टैमिनल ट्यूब, जो कि यहां आकर के खत्म हो जाती है, और उस स्टैमिनल ट्यूब के अंदर से स्टाइल गुजरता है। सो ओवरी से जो स्टाइल निकलता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर वो स्टैमिनल ट्यूब के अंदर से होता हुआ ऊपर आता। अब आप यहां देखें देर आर फाइव स्टिग्मेटिक सर्फेसेस, ये ब्लैक वाले जो स्टिग्मेटिक सर्फेसेस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सारे के सारे एक एक कार्पल को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर सेपरेटेड एट द टॉप लेकिन नीचे ओवरी के पोजीशन पर वो यूनाइटेड हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। फिर बताता हूं, पांच कार्पल हैं तो पेंटाकार्पेलरी कंडीशन हो गया, बिकॉज देर आर फाइव कार्पल बट दोज कार्पल्स आर यूनाइटेड एट द ओवरी पोर्शन। मैंने एक और फ्लावर का डाइसेक्शन किया था थोड़ी देर पहले, तो उसकी ओवरी निकली हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखिए, सो दिस इज द ओवरी, राइट। और इस ओवरी में आपको पांच अलग अलग कार्पल दिखाई नहीं दे रहे बिकॉज दे आर फ्यूज टूगेदर, सो दिस इज द पेंटाकार्पेलरी कंडीशन। अब अगर हम इस स्टैमिनल ट्यूब को डाइसेक्ट कर दें तो आपको दिखाई देगा कि अंदर से किस तरह से स्टाइल निकल रहे हैं। दिस इज अ बिट डिफिकल्ट बट इसको किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। तो एक नीडल के सहारे मैंने इसको सेपरेट कर दिया। सो नाउ एज आई हैव सेपरेटेड आई विल ट्राई टू शो यू। ये देखिए ये स्टैमिनल ट्यूब को मैंने सेपरेट कर दिया। सो इफ आई सेपरेट दिस स्टैमिनल ट्यूब and hopefully if the dissection is perfect I'll be able to show you the staminal tube and the style। ये देखिए बच्चे यहां पर आपको gap दिख गया होगा। so ये gap मैंने कुछ cut नहीं किया, this is actually the staminal tube का end part है, और फिर उसके अंदर से निकल रहे हैं styles, right। ये देखिए this is the style, ठीक है। तो ऊपर जरूर सेपरेट हैं लेकिन स्टाइल यूनाइटेड हो जाती है एक साथ। ये देखिए गौर से देखिए, स्टाइल इज यूनाइटेड, राइट। और ये स्टाइल स्टैमिनल ट्यूब के अंदर से गुजरती है। सो दिस इज द स्टैमिनल ट्यूब। अब आपने देख लिया होगा जिस तरह इलेक्ट्रिक वायर में आप देखते हैं कि रबर के बीच में से वायर निकलता है, कॉपर वायर, ठीक उसी तरह का एक ग्रूव जैसा बना हुआ है,
और वहीं से हमारी स्टैमिनल ट्यूब जा रही है. एंड वेयर डज दिस स्टैमिनल ट्यूब के नीचे से जो स्टाइल जा रहा है, इट गोज अप टू द ओवरी. ठीक है, तो इसको फुल लेंथ में डाइसेक्ट करना जरा मुश्किल कार्य है, लेकिन आई कैन ट्राई डूइंग दैट. आई एम ट्राइंग टू डू. इसमें ब्रेक हो सकता है, स्टाइल ब्रेक हो सकती है. एंड आई विल टेक यू डाउन टू द ओवरी. ठीक है, यहां से जरा पेटल को ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि ये पोर्शन एक्सपोज करने की जरूरत है, सो दैट आई कैन. ये देखिए स्टैमिनल ट्यूब यहां से स्टार्ट होती है, स्टैमिनल ट्यूब, एंड इट कंटिन्यूज. इन फैक्ट कंटिन्यूज, ये देखिए ये स्टैमिनल ट्यूब है. सो आई एंडेड अप डाइसेक्टिंग इट कंप्लीटली. लेट सी इफ आई कैन शो यू द स्टाइल इंटैक्ट. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डिपेंड्स ऑन द डाइसेक्शन. चूंकि मैं आपको वीडियो में शो भी कर रहा हूं, तो इस वजह से मैं पूरा फुल्ली उसको बचा नहीं पा सकता हूं. हो सकता है, ये देखिए ये जा रही है स्टाइल. दिस इज द स्टाइल, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द स्टाइल. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो फार सो गुड. बहुत ही बढ़िया डाइसेक्शन हुआ है बच्चों. काफी वक्त के बाद मैं डाइसेक्शन कर रहा हूं, और अब मैं आपको ये दिखाता हुआ स्टैमिनल ट्यूब के अंदर से देखिए स्टाइल जा रहा है. सो दिस इज द स्टाइल पोर्शन, स्टैमिनल ट्यूब के अंदर से जाती हुई स्टाइल, ये देखिए. सो दिस द स्टिग्मैटिक सर्फेसेस, वही स्टिग्मा जिनके बारे में अभी हमने चर्चा करी. ये देखिए स्टाइल है इसके अंदर से जाते हुए, एंड देन फाइनली इट गोज अप टू द ओवरी. इसमें देखिए कुछ स्टैमिनल ट्यूब का भी टिश्यू साथ में लगा हुआ है. सो दिस द स्टाइल, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द स्टाइल. ये व्हाइट वाला जो धाग्यानुमा स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्चुअली द स्टाइल. ये देखिए ये स्टाइल 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 जा रहा जा रहा जा रहा. और अब इसको यहां से जरा ब्रेक करते हैं तो और क्लियरली दिखाई दे जाएगा. ओहो, द स्टाइल गॉट ब्रोकन. ठीक है, तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हम इस ब्रोकन स्टाइल से भी काम चला लेंगे. इसमें म्यूसिलेज काफी ज्यादा होता है क्योंकि मालवेसी फैमिली में. ये देखिए यहां से स्टाइल टूट गया. दिस द एरिया फ्रॉम वेयर द स्टाइल गॉट ब्रोकन, यानी कि हम पहुंच चुके हैं ओवरी तक. ठीक है, अब ये इतना चिपचिपा हो चला है बच्चे, इतना ज्यादा म्यूसिलेज है. ये देखिए ये ओवरी है, ये रहा ओवरी, एंड दिस स्टाइल वॉज इन फैक्ट. अब मैं इसको फोर्सेप की सहायता से आपको दिखाऊंगा. ये देखिए दिस स्टाइल इन फैक्ट वॉज अटैच्ड हियर. ये ऐसे करके ये था पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. समझ में आई बात? ये था पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. आई ट्राइड टू शो यू सच अ वंडरफुल स्ट्रक्चर वी कुड रिवील. ये देखिए बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है. सो नाउ यू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट हाउ दिस कंडीशन लुक्स लाइक. ठीक है, सारी बात आपकी समझ में अब आ चुकी है. सो बच्चों इसी तरह से और भी डाइसेक्शन करते रहेंगे. कीप लर्निंग. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट.